हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद वन न्यू सस्टेनेबल वीडियो एंड वन वेरी स्पेशल चैलेंज जो मैंने एक्सेप्ट किया है इस वन मंथ के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस चैलेंज के की पॉइंट्स और इस चैलेंज के डूज एंड डोंट, और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सस्टेनेबल वीडियोज को देखें और औरों के साथ शेयर करें। सो ये चैलेंज है, चैलेंज का नेम है प्लास्टिक फ्री जुलाई। यस, सो इट्स अ प्लास्टिक फ्री जुलाई। सो कंप्लीट जुलाई मुझे प्लास्टिक के बिना रहना है। सो दिस साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक आजकल तो हर एक चीज, पानी की बोतल प्लास्टिक में, दूध प्लास्टिक के पॉलीथीन में, खाने का सारा सामान, आटा दाल चावल तेल, सब कुछ प्लास्टिक में। इवन कॉस्मेटिक्स से लेके हमारा शैम्पू क्रीम, सब कुछ प्लास्टिक में है। तो वन मंथ हमें इसके बिना कैसे रहना है? सो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आई विल शेयर लाइक मोर टिप्स कि इसको कैसे करना है। सो इसके लिए हमें करने होंगे कुछ माइनर स्वैप्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। सो जो प्लास्टिक फ्री जुलाई है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। इसमें हर साल मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे ट्राई टू लाइक रिड्यूस और सेव लाइक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो इससे होता क्या है कि जो हमारे द्वारा फैलाया हुआ प्लास्टिक का गंध है, कूड़ा कचरा है, वो नदियों नालों में जाने से, पहाड़ों में जाने से बच जाता है। तो अल्टीमेट गोल क्या रहता है हमारा कि हमें प्लास्टिक से अपनी जो लैंडफिल है, जो हमारा ओशन है, उसको बचाना है। सो उसके लिए है ये हमारा एक मूवमेंट जिसमें इस साल मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। सो मुझे क्या चैलेंजेस आएंगे या फिर क्या डिफिकल्टीज आएंगी इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आफ्टर दिस वन मंथ। बट मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको भी अच्छा लगे, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो मैंने पार्टिसिपेट किया है कम्प्लीट वन मंथ के लिए, फ्रॉम 1st जुलाई टिल 31st जुलाई। आप इसको 15 डेज, 5 डेज, 1 डेज, 1 वीक, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे भी कर सकते हैं। सो एटलीस्ट लाइक हमें अपनी जो प्लास्टिक वेस्ट हैबिट्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिड्यूस करना है। सो जनरली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में प्लास्टिक के यूज को बिल्कुल 100% खत्म तो नहीं कर सकते, बट हम उसको कम कर सकते हैं। सो वो कैसे कम कर सकते हैं उसके कुछ स्वैप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे भी हेल्प करेंगे प्लास्टिक फ्री जुलाई चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, एंड आई होप आपको भी वो हेल्प करें। सो इस प्लास्टिक फ्री जुलाई चैलेंज के लिए जो मैंने स्वैप्स किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आजकल नॉर्थ इंडिया में जो गर्मियां हैं वो बिल्कुल पीक पर हैं, तो घर से बाहर निकलते ही हमें प्यास लग जाती है और लाइक वी एंडेड अप परचेजिंग दैट वन प्लास्टिक वाटर बॉटल। और फिर क्या रहता है कि उसको हम पानी को पीते हैं और उस बोतल को कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कम अंडर सिंगल यूज प्लास्टिक। सो जो पहला मेजर स्वैप रहेगा इस प्लास्टिक फ्री जुलाई में मेरा, वो रहेगा टू यूज रीयूजेबल वाटर बॉटल। सो ये मेरा वाटर बॉटल है, स्टेनलेस स्टील का है। सो मैं लाइक किसी को ही यूज करती हूँ। इवन जब भी मैं घर से बाहर कहीं जाती हूँ, लाइक आई यूज टू कैरी दिस बॉटल, और जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसको रिफिल कर लेती हूँ विद ड्रिंकिंग वाटर। सो आप भी अपने लाइक बजट के बेस्ड कोई भी प्लास्टिक की जो बॉटल रहती है रीयूजेबल, या फिर ग्लास की, या फिर स्टेनलेस की, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वो वाली बॉटल बेस्ड ऑन योर बजट यूज कर सकते हैं। इससे ही क्या रहता है, तो हम अपने लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल परचेज नहीं करते, और साथ में हमारी एक हैबिट बनती रहती है कि हम लाइक बॉटल पास में हो तो हम पानी भी पीते रहते हैं। सो दैट ऑल्सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प अस फॉर आवर हेल्थ। सो जो नेक्स्ट स्वैप है, द नेक्स्ट प्लास्टिक फ्री स्वैप इज टू यूज रीयूजेबल बैग्स। सो अक्सर जब हम घर से बाहर ग्रोसरी या वेजिटेबल फ्रूट्स की शॉपिंग के लिए जाते हैं, सो आई यूज टू कैरी लाइक माई ओन बैग। इवन कि सो दिस इज माई बैग, ग्रोसरी बैग, और इवन आई कैरी मल्टीपल स्मॉल स्मॉल बैग इन साइड इट। लाइक सो जब भी जरूरत पड़े मार्केट में मुझे, तो आई एटलीस्ट ट्राई टू यूज माई ऑन बैग फॉर वेजिटेबल। सो जो प्लास्टिक है, वन सिंगल यूज प्लास्टिक पन्नियाँ रहती हैं, उसको लाइक आई डोंट वॉन्ट टू लाइक हैव। सो इस रीयूजेबल बैग की हेल्प से मैं उसको भी बचा लेती हूँ।
इवन जब भी मैं मार्केट जाती हूँ लाइक मुझे शॉपिंग नहीं भी करनी है सिंपली आई हैव लाइक सम वर्क एंड लाइक मैं मार्केट गई हूँ सो इवन इन दैट केस आई ऑल्सो ट्राई टू कैरी माई स्लिंग बैग. सो स्लिंग बैग में कुछ ज़्यादा तो नहीं रहता. आई ट्राई टू कैरी लाइक आजकल सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है सो आई कैरी सैनिटाइजर एंड एटलीस्ट आई कैरी वन वेरी स्मॉल बैग. लाइक अगर मुझे कुछ प्री प्लान लाइक बिना कुछ डिसाइड किए कुछ अर्जेंट मार्केट से खरीदना पड़े तो एटलीस्ट एक स्मॉल साइज बैग तो मेरे पास हो. So this also helped me to reduce like single use plastic polythene bags. So I don't even accept, but this is also one very good idea. So the next plastic free swap is to use sustainable and like eco friendly cutlery. So आजकल ये रहता है कि हम घर में house parties host करते हैं या फिर कोई event plan कर रहे हैं तो हम बहुत सारी plastic cutlery को use कर लेते हैं और उसको use करने के बाद एक या दो बार फेंक देते हैं. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सिंगल यूज प्लास्टिक. सो वी हैव टू लाइक अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक. तो उसके जो अल्टरनेटिव रहते हैं आजकल बैम्बू के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेंड में हैं. बैम्बू के स्पूंस भी रहते हैं इन बनाना प्लेट्स होती हैं या फिर पेपर प्लेट्स एंड कप रहते हैं. सो लाइक ट्राई टू यूज दैम. आई ऑल्सो ट्राई टू यूज दैम जब भी मुझे कुछ हाउस इवेंट या पार्टी करनी है. सो आई ऑल्सो ट्राई टू यूज गो विद सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली आइटम्स. इवन दो दिस स्टेनलेस स्टील एंड जो तांबा का सामान रहता है बर्तन रहते हैं दे आर ऑल्सो कमिंग बैक इनटू द ट्रेंड. बट प्लास्टिक फ्री स्वैप है गिफ्ट रैपिंग विद सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ऑप्शंस. सो यूजली आज दिन तक मैंने क्या देखा है जो गिफ्ट रैप होते हैं वो एक प्लास्टिक की फैंसी सी कुछ चमकदार पॉलीथीन रहती है. सो एक दो बार उसमें गिफ्ट हम रैप करते हैं उसके बाद दे ऑल्सो लाइक देर इज नो यूज ऑफ दैट प्लास्टिक पॉलीथीन तो उसको भी हम कूड़े कचरे में ही फेंक देते हैं. सो उसके अल्टरनेटिव भी ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं. या तो हम वेरी सिंपल लाइक जो ब्राउन बैग रहता है उसी में ही गिफ्ट को दें. अगर आपको कुछ फैंसी करना है तो लाइक देर आर मल्टीपल ऑप्शन कमिंग एंड मल्टीपल सस्टेनेबल गिफ्ट पैकेजिंग ऑप्शन आर कमिंग इन मार्केट. सो आप वेरी बेसिक क्या कर सकते हैं सपोज दिस इज अ गिफ्ट आइटम दैट आई हैव टू गिव तो इसके ऊपर लाइक वन फैंसी क्लॉथ भी आप यूज कर सकते हैं. ज्यादा कुछ फैंसी नहीं भी करना है तो इसको एक लाइक एक थ्रेड लिया और इसको ऐसे अराउंड अप कर दिया. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन. आजकल हैंडमेड्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है. सो दिस इज़ वन अदर ऑप्शन. लाइक कुछ बिगर साइज का गिफ्ट रैप करना है तो आपको इसको थोड़ा फैंसी तरीके से रैप करके कुछ थ्रेड जैसे यूज कर सकते हैं. सो दिस ऑल्सो बिकम वन गिफ्ट रैप. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो गिव द गिफ्ट इन द सस्टेनेबल ऑप्शंस. तो अक्सर क्या रहता था पहले कि गिफ्ट रैप में ये कुछ फैंसी सा इसके ऊपर लगा देते थे है तो ये भी प्लास्टिक का इसका कोई यूज नहीं है. सो उसको अवॉइड टू यूज दिस काइंड ऑफ फैंसी आइटम ऑन द गिफ्ट रैप. कोई ज्यादा गिफ्ट की शो तो नहीं बढ़ रही. गिफ्ट तो लाइक पैक्ड ही है एंड ऑल्सो दिस थिंग. सो ऑलवेज गो विद दिस सस्टेनेबल काइंड ऑफ ऑप्शन विद क्लॉथ विद थ्रेड लाइक हैंडमेड और सिंपली गो विद वन ब्राउन पेपर पैकेजिंग दैट इज ऑल्सो फाइन एंड सम पेपर पैकेजिंग ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. गो विद देम. इन द नेक्स्ट प्लास्टिक फ्री स्वैप इज लाइक टू गो फॉर सस्टेनेबल शॉपिंग एंड शॉप ओनली वेन यू रिक्वायर. सो अननेसेसरी शॉपिंग और अननेसेसरी कीप ऑन परचेसिंग थिंग इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू लिव सस्टेनेबल लाइफ एंड दिस प्लास्टिक फ्री जुलाई चैलेंज. सो जब भी आपको कोई चीज़ की जरूरत है ट्राई टू फर्स्ट लुक इनसाइड योर हाउस और ट्राई टू फाइंड इन योर ओन लाइक होम कि आपके पास कुछ उसका ऑप्शन अवेलेबल है या फिर कुछ उसका अल्टरनेट है जिसके साथ आप काम चला सकते हो. सो ऑलवेज गो फॉर दैट ऑप्शन फर्स्ट. इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में जाके कुछ ऐसा ही परचेज करें जो सस्टेनेबल हो. सस्टेनेबल मीन्स जो लंबे टाइम तक चले और जिसका एनवायरमेंट पर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़ता हो. सो लाइक अभी मैंने कुछ माइनर से स्वैप्स किए हैं. अर्लियर लाइक आई वॉज यूजिंग स्मॉल शैम्पू पाउच. अभी भी मेरे पास एक शैम्पू पाउच है. सो दिस लाइक वन टाइम यूज उसके बाद ये प्लास्टिक का जो पाउच का रैप है ये ऑल्सो लैंडफिल में जाएगा और प्लास्टिक वेस्ट ही प्रोड्यूस करेगा. सो इसको स्वैप करने के लिए अभी जो मैंने किया है सो दैट इज आई ट्राई टू बाय बिगर साइज ऑफ शैम्पू बॉटल. सो ये क्या है मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था. लाइक नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ तक पहुंचा है खत्म होने वाला है बट एक साल में मेरे को एक बॉटल लगा. सो इससे क्या है कि अगर मैं ये वाले यूज करती तो एटलीस्ट लाइक ट्वाइस लाइक इन अ वीक आई वॉश माय हेयर तो मेरे को कितने ज्यादा लगते हैं एंड ये मेरा एक साल में एक हुआ है. इसके बाद भी आई डोंट थ्रो इट आउट. मैं इसको कुछ ना कुछ रीयूज करके रिसाइकिल करके इस बॉटल का बना लूंगी. सो आई ऑल्सो लाइक ट्राई टू रिड्यूस माई प्लास्टिक वेस्ट.
इसके अलावा एक और प्लास्टिक का स्वैप है जो लाइक हमें हेल्प करता है हमारे कॉस्मेटिक के लिए, और लाइक कुछ जेल बनाना है या फिर हमें कुछ भी घर पे पैक बनाना है. सो आई ट्राई टू लाइक मेक माई ओन पैक विद सम सस्टेनेबल आइटम और फ्रूट लेफ्ट ओवर. सो लाइक रिसेंटली मैंने क्या किया है, अभी तक तो मैं क्या यूज़ करती थी कि जब भी मुझे एलोवेरा जेल चाहिए होता था तो कुछ ऐसा पैकेजिंग या फिर कुछ इस टाइप के पाउच ये मुझे प्लास्टिक के खरीदने पड़ते थे. बट अभी मैंने क्या किया है, एलोवेरा को तो मैं घर में बहुत ही आसानी से लगा सकती हूँ. एलोवेरा की एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाला है. सो उसके अल्टरनेटिव में मैंने क्या किया, मैंने घर में बहुत सारी एलोवेरा उगाई है. सो ये तो एक जस्ट सैंपल है, छोटा होता है अभी, बट और भी बहुत सारे एलोवेरा है मेरे पास. सो नाउ आई एम यूजिंग सिंपली एलोवेरा जेल फ्रॉम द एलोवेरा लीफ. आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एलोवेरा प्लास्टिक पैकेजिंग. So this is one other major swap. So there are like multiple major swap that we can do to live sustainable and plastic free life. So I'll keep sharing my views, and you also keep sharing your views and your swaps in the comment box so that we can gather more ideas to live sustainable life and plastic free challenge very easily. So I hope you like all these swaps and you keep following all these swaps and try to purchase always sustainable items. सो ये थे कुछ बहुत ही बेसिक स्वैप जो हम इजीली अब हर एक घर में कर सकते हैं. सो आई होप यू विल आल्सो फॉलो दिस प्लास्टिक फ्री जुलाई चैलेंज एंड कीप पार्टिसिपेटिंग इन एंड कीप एनकरेजिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें ही हेल्प मिलेगी हमारे एनवायरमेंट बचाने के लिए. सो प्लास्टिक फ्री जुलाई के जो चैलेंज है उसमें मैं कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करूँगी. सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम प्लास्टिक को अपनी लाइफ से 100% खत्म तो नहीं कर सकते, बट हम उसका यूज कम कर सकते हैं. और दिस मंथ लाइक इन जुलाई में जो भी प्लास्टिक का यूज करूंगी, जो भी मतलब बचेगा प्लास्टिक का, उसको मैं अपने साथ रखूंगी ताकि आफ्टर एंड ऑफ द मंथ लाइक मैं देख सकूं मैंने कितना प्लास्टिक यूज किया है. सो लाइक अभी रिसेंटली आज ही मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो ये एक प्लास्टिक का पॉलिथीन है. सो इसको भी मेरे को संभाल के रखना है. और एक मैंने कल ही चॉकलेट खाया था, तो ये चॉकलेट का रैपर है, तो इसको भी मैंने रखा है. सो आई कीप लाइक सेविंग माई ऑल प्लास्टिक वेस्ट थ्रू आउट द मंथ, ताकि मैं लाइक मंथ के एंड में देख सकूँ मैंने कितना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है या फिर बहुत कम किया है. सो आप भी इसको लाइक सेव करके रखें ताकि हम मंथ के एंड में एक एनालिसिस कर सकें कि हम कितना बचा सकते थे और कितना हमने बचाया है और कितना एक्चुअली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी.